वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से नई वीडियो में। और दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग फिर से खेलने वाले हैं GTA 5, क्योंकि लास्ट एपिसोड में दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि हम अपने फ्री फायर कैरेक्टर्स को GTA में बचाने के लिए आए थे और वहां पर हमको एक रेड क्रिमिनल की डेड बॉडी मिली और जब हमने उसको फॉलो अप करा तो हमको बाकी के फ्री फायर कैरेक्टर्स भी मिल गए थे। पर यार हम तो उनको बचाने के लिए गए थे बट उन्होंने वहां पर हम पे ही गोलियां मारनी शुरू कर दी थी। तो उस टाइम तो दोस्तों मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। बस मैंने वहां से उनका ट्रक पकड़ा और सीधे निकल गया पहाड़ी से नीचे को। उसके बाद दोस्तों मैंने आप लोगों से भी पूछा था कि गाइज आगे क्या करना चाहिए, क्या इन लोगों को मार देना चाहिए या फिर इनसे एक बार बात करनी चाहिए कि आखिर ये लोग मेरे पे गोली क्यों चला रहे हैं। आप में से कई लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि भाई उनको एलिमिनेशन कर दो, कई लोग ये भी कह रहे थे कि भाई उनसे एक बार बात करके देखो कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। तो यार मैंने भी यही सोचा कि चलो पहले एक बार उनसे बात करके देख लेते कि आखिर उन्होंने मुझ पर गोलियां क्यों चलाई। तो माइकल को दोस्तों मैंने कल बोल दिया था कि अगर तेरे कोई सोर्स है तो उनसे जाकर पता कर, उनसे बात करके देख कि आखिर वो लोग चाहते क्या हैं, वो हम पे गोलियां क्यों चला रहे थे। तो फिलहाल गाइस अभी देखो माइकल हमारे आंखों के सामने ही है। मैं बस यहाँ तक साइकिलिंग करने के लिए आया था, इसने अपने बॉडीगार्ड भेज दिया तुरंत। अभी मैं इससे तो मिलकर आया था पर इसने बहुत ही जल्दी अपना बॉडीगार्ड भी मेरे पीछे पीछे भेज दिया। एक तो क्या है ना, अभी मैंने इसका किडनैप जो किया था बेटा अभी तक लौटा नहीं रखा है। मैंने कहा भाई जब तक तू मेरी फुल हेल्प नहीं करेगा तब तक मैं तेरा बेटा नहीं लौटाने वाला हूँ। पिछले एपिसोड में दोस्तों हमें उसका बेटा जिमी को भी किडनैप करना पड़ गया था क्योंकि माइकल ने हमारी मदद करने के लिए साफ मना कर दिया था और हमारे पास उतने पैसे भी नहीं थे कि हम माइकल को पैसे देकर काम करवाएं, और फिर मजबूरन मुझे उसके बेटे जिमी को किडनैप करना पड़ गया था। फिलहाल गाइस ये बॉडीगार्ड माइकल ने भेज रखा और बॉडीगार्ड मुझसे कह रहा था कि भाई जल्दी चलो मेरा बॉस बहुत ज्यादा गुस्से में है। लेकिन भाई मैं तो आराम से साइकिलिंग करने आया था और साइकिलिंग करके ही जाऊंगा। शायद इसके बॉडीगार्ड को भी पता नहीं कि हम क्या चीज़ है। पर माइकल ने दोस्तों मुझे इतनी जल्दी बुला क्यों दिया यार, अभी तो मैं उससे मिलकर आया था, इसका मतलब उसके पास जरूर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो मैं फटाफट अभी यहाँ से निकलता हूँ बट यहाँ पर मुझे थोड़े आराम से चलाने पड़ेगी गाड़ी को। भाई आराम से रुक जा, इतनी खड़ी पहाड़ियाँ और ये देखो ये लड़कियाँ कितनी बातें करती भाई फ़ोन पे। एक तो कुत्ते को घुमाने आई है उसमें भी ध्यान इसका पूरी फ़ोन पे ही है। खैर गाइस अभी इसको छोड़ते हैं, हम लोग फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हमको फटाफट ऊपर हाईवे में जाना है। और ये देखो भाई कड़ी धूप में ये लोग यहाँ पे बीच के किनारे जॉगिंग कर रहे हैं, कैसे कैसे लोग हैं भाई। खैर अभी इन सब लोग को छोड़ो, अभी मुझे यहाँ से पूरा घूमते हुए ऊपर हाईवे में जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से और कोई रास्ता नहीं है। माइकल उस तक पहाड़ी से सामने तो दिख रहा था बट वहाँ से कोई रास्ता नहीं, या तो मेरे को तैर के जाना पड़ता है बट ये साइकिल भी यार माइकल की है तो साइकिल को वहाँ पर नहीं छोड़ सकता था मैं। और ये देखो भाई इतनी कड़ी धूप में कौन जॉगिंग करता है यार, ये लड़कियाँ भी क्या बोले इनको। अभी फिलहाल दोस्तों मैं फटाफट यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि हाईवे के लिए हमें अभी बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं यार, साइकिलिंग करते करते चलते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ओके गाइस तो अभी मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे हाईवे पे, ज़्यादा धूप से जाने नहीं पड़ा क्योंकि मैंने पहाड़ी के ऊपर डाल दी और हाथ से उठा के साइकिल यहाँ पे रखी और सीधे अभी चलाने लग गया हूँ। बट एक दिक्कत होगी कि भाई यहाँ पे मैं रॉन्ग साइड में आ गया हूँ, मुझे रोड थोड़ी देख के क्रॉस करनी पड़ेगी। अभी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चली भाई, रुक जा इतनी घंटी बजा रहा हूँ, कोई रुक ही नहीं रहा, घंटी भी इतनी कम है भाई, इसकी कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे नहीं सुनाई दे रहा, सामने वाले को क्या सुनाई देगा। चलो गाइस तो अभी ये माइकल के बॉडीगार्ड मुझे यहाँ पे दिख गए, इसका मतलब माइकल जहाँ पर है उसका रास्ता यहीं पे होगा। तो चलो यहीं से मैं नीचे को जाता हूँ। हाँ ये वही वाला रोड है, मुझे उस वक्त दिमाग से हट जाती है यार, इतने सारे रास्ते ना सब एक ही जैसे दिखते हैं यहाँ पे। पर चलो कोई बात नहीं गाइस, अभी हम लोग शहर में नए हैं, धीरे धीरे हमको सारे रास्ते भी याद हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे हमको आराम आराम से चलना पड़ेगा, पूरे ब्रेक दबाते हुए क्योंकि बहुत खड़े ढलान है भाई, हल्का सा भी इधर उधर हैंडल होना सीधे नीचे समंदर में पहुँचेंगे। और ये हिरन कहाँ दौड़ा भाई साइड बाई साइड, ओ नहीं नहीं भाई तू साइड साइड दौड़ भाई, ये वहाँ कहाँ जा रहा है, इतनी महंगी गाड़ियाँ खड़ी है तो किसी गाड़ियों में नुकसान मत कर देना। ओके ओके गाइस तो ना वहाँ पे सामने माइकल ने भी अपनी साइकिल पार्क करी हुई है तो मैं भी यहाँ पे चलकर एक काम करता हूँ, साइकिल इसी के बगल में लगा देता हूँ। हाँ भाई यहीं पे लगा, इसके बॉडी गार्ड को देखो गाइस कितना घूर रहा है मेरे को, सुरक्षित वहीं पे लगाई तेरे साइकिल यार, कुछ खराबी नहीं की है उस पर। और गाइस एक बार जरा यहाँ पे देखो गाइस, ये वही वाली कार है जिसमें पिछले बार मैं और माइकल गए थे भाई। स्पीड की तो क्या ये बात करें, स्पीड के साथ साथ इसमें गोलियां भी निकलती है। और ये इसके बगल में रही मैक्लेरन और ये पता नहीं कोई सिंपल सी गाड़ी है शायद। और गाइस देखो वो रहा वहाँ पे माइकल एकदम लास्ट पे, और ये हिरन देखो भाई अभी कहाँ से दौड़ते इतनी जल्दी वहाँ पहुँच गया भाई, वो वहाँ पे उड़धन कर रखा है उसने। ये देखो भाई हिरन को पागल हो गया हिरन शायद, देखो वो रहा वहाँ पे माइकल अभी भी भाई पता नहीं क्या डिस्कशन कर रहा है अपने गार्ड से। इसका मतलब इसका सिक्योरिटी गार्ड कुछ तो बहुत तगड़ी वाली इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। चलो मैं भी फटाफट से अभी नीचे चलता हूँ और सीधे चलते हैं माइकल के पास। भाई ऐसी क्या बात हो गई है, और जरा एक मिनट ये हिरन को किसने मार दिया यहाँ पे, बेहोश हो गया क्या, एक मिनट रुकना तो जरा। ओ भाई ये गंजा कौन है इसकी, तो भाई तूने हिरन मार दिया, इतना मस्त उधर से उधर दौड़ा था, तेरा क्या कर रहा था इसकी, तो गाइस रुको अब मार। हाँ एक घूसे में अपना सो गया, यहाँ पे हिरन को मारता है पागल गएगा। ये ले एक लात और खा तू, तो सर में बाल है नहीं चले हैं। ओ भाई सॉरी 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 हिरन भाई, जानबूझ के नहीं मारा, वो गंजा को मारा था गलती से भाई, हिरन को लगी पर क्या करे, इसको वैसे दर्द नहीं हुआ भाई, पहले ही मर गया था। ओके नॉट माई फॉल्ट। और लड़ गए तो भी मजाक मस्ती बहुत हो गई है, फटाफट से आगे चलते हैं, माइकल बहुत दूर से रुका हुआ यार, कहीं हमसे गुस्सा हो गया तो भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। वैसे यार ये एरिया है देखो कितनी सुंदर, बट इतना सारा कूड़ा फैला रखा है यहाँ पे,
पूरी गंदगी मचा रखी है पूरी साइट की। और ये रहा गाइस माइकल, देखो अभी भी बात ही करने में लगा, चलो मैं भी इससे बात करता हूँ भाई, इसने मुझे यहाँ पे क्यों बुला रखा है। कहीं इसको उसका बेटा तो नहीं मिल गया? वैसे इसको जिमी तो नहीं मिला होगा, क्योंकि अगर इसको जिमी मिला होता तो इतने प्यार से मुझे थोड़ी यहाँ पे बुलाता, वहीं पे मेरा एनकाउंटर कर देता। तो चलो ऐसे बात करके देखते हैं कि आखिर बात क्या है। तो गाइस अभी मेरी माइकल से बात हो गई है, बट यार इसने बहुत बुरी खबर मुझे बताई है। माइकल मुझसे ये बोला कि इसने अपने किसी एक आदमी को क्रिमिनल्स के पास भेजा था, बट वो क्रिमिनल ने बातचीत करने की जगह उसको ही बहुत बुरी तरीके से पीट दिया है, लगभग वो मर गया, अधमरा उसको कर दिया है। अब तो यार उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया भाई, हम अच्छे से प्यार से बात करने के लिए गए थे क्रिमिनल्स के पास, एक तो उन्होंने मुझे गोली मारी, उसके बाद भी मैंने कहा चलो एक ट्राई करते हैं उनसे बात करके देखते, बट बात करने की जगह हमने जिसको भेजा था उन्होंने उसको भी बहुत ही बुरी तरीके से पीट रखा है। तो गाइस अभी मैं और माइकल जाने वाले हैं सीधे उसी लोकेशन पे, और चलकर उससे बात करते हैं कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या। पर यहाँ पे माइकल अकेले नहीं आ रहा गाइस इस बार, ये तो अपने बॉडीगार्ड को भी लेके आ रहा है, इस बार बॉडीगार्ड इसके पीछे पीछे जा रहा है। तो भाई अगर बॉडीगार्ड इसके साथ जाएगा तो मैं किस में जाऊँगा, इसकी गाड़ी सिर्फ 2 सीटर है और पिछले बार मैं और माइकल ही तो गए थे। बट शायद गाइस इस बार माइकल मैक्लेरन में जा रहा है, हाँ क्या बात है, तब तो हम इसकी गाड़ी अकेले चलाएंगे या दौड़ाएंगे। लेकिन नहीं भाई, ये अपनी ही वाली गाड़ी में जा रहा है और इसका बॉडी गार्ड भी इसके पीछे पीछे जा रहा है। भाई मैं भाई साइकिल में थोड़ी जाऊंगा भाई, मैं किस में जाऊंगा। एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं खुद ही जाकर माइकल से पूछ लेता हूँ कि भाई मैं किसके साथ जाने वाला हूँ, क्या मैं उसके साथ आ सकता हूँ या फिर नहीं। माइकल ने दोस्तों मुझे मना कर दिया उसके साथ आने से, बट वो हमको बोल रहा है कि हम उसके मैक्लेरन में उसके साथ आ सकते हैं। भाई आज पहली बार मैं एक सुपर कार चलाने वाला हूँ, वो भी माइकल की। भाई साहब देखो भाई क्या लुक आ रहा है, इसकी पावर तो थोड़ा फील करते हैं। अरे भाई क्या थक्का मार रहा है इसका इंजन यार, मन तो कर रहा है सारी धूल इस बॉडीगार्ड के मुँह में गिरा दूँ, क्योंकि भाई तब से इतना ज़्यादा घूरे जा रहा था जब मैं साइकिल लेकर आया था। बट नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं करना है, फटाफट निकलते गए अपनी लोकेशन पे, लेट्स गो दोस्तों। अरे भाई 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 आराम से यार, अभी मेरे गहने नीचे घुस गई थी गाड़ी, हल्की सी रेस दबाते ही भाई तुरंत 100 की स्पीड पकड़ ले रही यार ये तो। भाई साहब थोड़े आराम से उसको ले जाना पड़ेगा, वरना माइकल अगली बार से मुझे कोई कान ही देने वाला है। भाई भाई ये तो कंट्रोल ही नहीं हो रही है मुझसे। ओके गाइस तो भी माइकल पीछे पीछे आ गया, मुझे हल्का सा राइट लेना है और बस, अब तो कोई टेंशन नहीं है। अब गाइस मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ, ये पहाड़ वाला रास्ता हमको आज लेस्टर ने बता रखा है, बट मैं वहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि आज हमारे पास है गाइस सुपर कार, और ये मेरे को माइकल हॉर्न की बजा रहा है। भाई साइड हट रहा हूँ तो आराम से भागते रहो, लेकिन आज मैं भी भाई फुल स्पीड में इस हाईवे में भगाने वाला हूँ, क्योंकि आज अपने पास है दोस्तों मैक्लेरन, और की देखो क्या स्पीड में भाग गया है यहाँ पे माइकल यार। अभी एक और हीरन उड़ने वाला था रास्ते पे, लगता है आज माइकल हमसे रेस लगाने की मूड है। अब भी इसको बताते हैं भाई कितनी तेज भाग रही यार इसकी गाड़ी में, ऑलरेडी 166 किलोमीटर की स्पीड में जा रहा था, और भाई मैंने माइकल की गाड़ी ठोक दी है। भाई टाइम पे यहाँ से निकल लो फटाफट। लो भाई सिनेमैटिक के चक्कर में एक और बार मैंने माइकल की गाड़ी उड़ा दी है, अब तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं दबाना है, अगली बार से मुझे माइकल ही देने वाला है इसकी सुपर कार। फुल स्पीड में भाई यहाँ से निकल लेता हूँ, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना बिल्कुल भी, लेट्स गो। ओके गाइस तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट उस लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं, और अब मैं ना माइकल के पीछे ही जा रहा हूँ, क्योंकि ये मैक्लेरन इतनी तेज भाग रही है, 220 किलोमीटर तक मैंने इसको चलाई, पर उससे ज़्यादा भगन में मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऊपर से मैंने माइकल की गाड़ी ऑलरेडी 2 बार ठोक दी है, माइकल तो सोच रहा होगा कि यार मैंने क्यों इसको गाड़ी दे दी, अच्छा खासा मेरे साथ आने वाला था। बट कोई बात यार, हम भी तो पहली बार आज सुपर कार चला रहे हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। और आई थिंक यहाँ पे से गाइज हमको थोड़ा सा लेफ्ट लेना है, और बस हम उस लोकेशन पे ऑलमोस्ट पहुँच गए, बट मैं सही तो जा रहा हूँ ना। वैसे माइकल तो शायद सामने सामने सीधे निकल गया है, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ के रास्ते एक बार आया था तो मैं भी शायद सही रास्ते से जा रहा हूँ। फिलहाल तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा है भाई यार, ये लोग कितने पीछे क्यों पड़े मैक्लेरन के, आज तो माइकल भाई मुझे छोड़ने वाला नहीं है, कितने बार तो ठुकते हुए मैंने बचा दिया। ओके ओके गाइस यहाँ पे मैं ब्रेक मार लेता हूँ, क्योंकि ग्रेवयार्ड लोकेशन गाइस यहाँ पे पहुँच गए थे, वो यहीं पे हमको लेस्टर ने बुलाया था, और ये रही इनकी पार्किंग। ओके क्रॉस करने से पहले देख लेता हूँ, कोई आ तो नहीं रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है, लेट्स गो। और ये लो भाई, वो नीचे देख रहा था ऊपर से कोई उड़ा के चले गया, मैक्लेरन की तो धज्जिया उड़ गई है भाई। बट कोई बात नहीं गाइस, अभी हम पार्किंग में पहुँच गए और माइकल से देखो पहले ही पहुँच गया, माइकल इतना तेज भगा रहा था। मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे अपनी गाड़ी लगा देता हूँ, और गाड़ी का मुंह गाइस मैं फ्रंट में रखने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैंने बैक करके गाड़ी पार्क करी तो भाई माइकल भी देखो यहाँ पे आ गया, और वो देख लेगा कितने सारे स्क्रैचेस मैंने इसकी गाड़ी में लगा रखे हैं। बस आई होप कि वो स्क्रैचेस को अभी ना देखे यार, वरना बहुत गुस्सा करने वाला है शायद। ओके तो गाइस माइकल आ गया है, देखते हैं कहाँ पर पार्किंग लगाता है। भाई साहब कहाँ पार्क, कहाँ भगा रहा है ये गाड़ी, गैंगस्टर है भाई, असली गैंगस्टर है ये माइकल तो। गाइस देखो कहाँ लगा रहा है, कहाँ चौड़ में चल रहा है एकदम। और ये देखो गाइस, ये वही वाला ट्रक है जो हमने उस वक्त चुराया था लास्ट वाले एपिसोड में, शायद इसका कोई बॉडीगार्ड ही इस गाड़ी को आज यहाँ पे लेके आ गया होगा। फिलहाल गाइस हम लोग पहुँच गए लेस्टर के दीवी लोकेशन पे, उसने हमको इस ग्रेवयार्ड पे बुला रखा था,
और ये देखो गाइस सामने ही ग्रेवयार्ड है जिसकी लाइव लोकेशन मुझे लेस्टर ने शेयर करी थी। चलकर दोस्तों आगे देखते हैं कि आखिर यहाँ पे सीन क्या हुआ, आखिर माइकल इतना घबराया हुआ क्यों था। यूजुअली इतनी तेज वो कभी गाड़ी चलाता नहीं था, बट आज वो बहुत ज़्यादा स्पीड में चला रहा था। गाइस गाइस देखो ये शायद कोई जाना पहचाना मेरे को, भाई ये तो फ्रैंकलिन है भाई साहब, इसको किसने मार दिया? नहीं नहीं ये गाइस मरा नहीं है अभी, ये अधमरी हालत में देखो उसका हाथ हिल रहा है। भाई इसको किसने मार दिया? इसके दोस्त लेस्टर ट्रेवर सभी लोग गाइस यहाँ पे आ रखे हैं और बेचारे फ्रैंकलिन का तो भाई बहुत ही बुरा हाल बना रहा है। शायद फ्रैंकलिन ही गाइस वहाँ पे क्रिमिनल से बात करने चले गया होगा और उन्होंने फ्रैंकलिन का इतना बुरा हाल करके इसको वापस भेज दिया। ये तो बहुत ही गलत सीन हो गया दोस्तों यहाँ पे। मैंने माइकल को बोला था कि इसको कोई बॉडीगार्ड या फिर कोई ऐसा सोर्स लगाना जिसकी मदद से हम उससे अच्छे से बातचीत कर पाए, बट माइकल का बहुत अच्छा दोस्त है फ्रैंकलिन, तो उसने फ्रैंकलिन से बोला होगा और फ्रैंकलिन चले गए सीधे बात करने। और भाई उसके बाद हम लोग सामने देख ही सकते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा दोस्तों कि माइकल ने इस मोटे बॉडी बिल्डर को क्यों नहीं भेजा, हर समय बस ऐसे ही खड़े रहता है। ओ भाई 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 गाइस यहाँ पे अभी बहुत ही भयानक फाइट होगी मेरे और इसके बीच। पता नहीं क्यों आकर इसने मेरे तो यहाँ पे धुलानी लगा दिया है इसकी, तो भाई भाई इसने गला इसकी तो ज़्यादा शाना मत बॉडी होगी तेरे घर पे। वो गाइस ये तो फाइटर है यार, इसको मारना इतना आसान नहीं है। चलो गाइस अभी माइकल ने जैसे तैसे इसको आके रोक दिया है इसके बॉडीगार्ड को। पता नहीं क्यों भाई फालतू का मेरे को वहाँ पे मारे जा रहा है, इतनी धुलाई कर दी मेरी सबके सामने, क्या इज्जत रहेगी मेरी अब। ओके तो गाइस इसको शायद हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि हमारी वजह से फ्रैंकलिन इतनी बुरी हालत में पड़ा हुआ है, और शायद इसको भी पता ही नहीं है कि भाई माइकल का बेटा हमारे कब्जे में है। तो भाई थोड़े अपने गुस्से को शांत कर ले, माइकल ने सही टाइम पे उसको आके रोक लिया क्योंकि उसे पता है कि अगर भाई मुझे कुछ हुआ तो माइकल का बेटा भी मर जाएगा, क्योंकि सिर्फ अभी मुझे ही पता है कि मैंने माइकल के बेटे को कहाँ छुपा रखा है। इसलिए अपने थोड़े गुस्से को शांत कर ले बेटा, अपनी दादागिरी अपनी जेब में रख। फिलहाल गाइज मैं अभी माइकल से बात करता हूँ और पूछता हूँ कि आगे का क्या प्लान है। ओके गाइस तो अभी मेरी माइकल से बात हो गई है और माइकल बोला कि उसको अभी यहीं पे रहना है इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि क्रिमिनल्स ने फ्रैंकलिन को बुरी तरह से मार के दोस्तों यहीं पे ग्रेवयार्ड के ऊपर छोड़ दिया था और मैसेज छोड़ दिया था कि भाई अपने फ्रैंकलिन को ले जा लो। मतलब वो चाहे तो उसको आराम से मार भी सकते थे, बट उन्होंने एक ओपन चैलेंज यहाँ पे दे दिया और फ्रैंकलिन को इतना घायल कर दिया, उसके बाद कब्रिस्तान में उसकी कब्र के ऊपर उसको लेटा दिया। भाई बहुत खतरनाक है क्रिमिनल्स। तो फिलहाल गाइज अभी हमको जाना है फ्रैंकलिन को लेके सीधे हॉस्पिटल पे, क्योंकि आगे अब फ्रैंकलिन हमको बताने वाला है कि आगे क्या करना है, क्योंकि लेस्टर भी कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं निकाल पा रहा है कि आखिर क्रिमिनल्स कहाँ पे छिपके बैठे हुए हैं। और सिर्फ फ्रैंकलिन ही अब हमारी इसमें मदद कर सकता है क्योंकि वही अभी उनके हाथों से पिटके आया हुआ है, बट इससे पहले इसको ठीक करना पड़ेगा यार, बहुत बुरी हालत हो गई। देखो बेचारा अच्छे से चल भी नहीं पा रहा है, शायद फ्रैंकलिन अभी सीढ़ी उतारने की भी हिम्मत नहीं कर रहा है दोस्तों, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही बुरी हो गई सच में। और लेस्टर अभी गाइस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोला कि भाई तुम लोग फटाफट इसको ठीक कराओ, बाकी ये अपना काम करने तुरंत जा रहा है इसके ऑफिस पे। सीधे ओपन वाली लंबोर्गिनी सियानी चलाता है लेस्टर, ये खतरनाक आदमी है, सबके सब बहुत अमीर है। फिलहाल गाइस यहाँ पे देखते हैं कि ये कौन सी गाड़ी में जाना चाहता है। फ्रैंकलिन भाई क्या हो गया तुझे? इसको अच्छे से दिख भी नहीं रहा है शायद, बेचारा ट्रेवर इसको देखने के चक्कर में इसके पीछे पीछे आने में लगा है। ओ भाई मुझे लगा था कि ये मॉन्स्टर ट्रक में बैठने के मूड में, बट ये याली गाड़ी में बैठ गया है। चलो कोई बात नहीं गाइस, इसको बाइक में बैठा देते हैं। और एक मिनट भाई, ये मुझको क्यों मार रहा है फ्रैंकलिन? ओए ओए मैं तेरा दोस्त हूँ भाई, इसके दिमाग में चोट वोट लग गई क्या बहुत जोर से, मुझे पहचान ही नहीं रहा है। अभी गाइस इसको ट्रेवर ने शांत करा दिया शायद, और आई होप कि मुझको ना मारे भाई, प्लीज़ फ्रैंकलिन तू मुझे मत मारे। एक तो मैं तुझे बचाने के लिए जा रहा हूँ, ऊपर से तू मेरी पिटाई कर रहा है, एक तो वहाँ पे सबके सामने इंसल्ट हुई, अब तू मुझे ड्राइवर के सामने इंसल्ट करवा रहा है। ओके गाइस तो अभी तो ये फिलहाल मुझे नहीं मार रहा है, ड्राइवर की बात मान गया भाई, ड्राइवर से सब लोग डरते हैं वैसे। ओके तो अब गाइस फुल स्पीड में यहाँ से ले जाता हूँ, विलियम मारते हुए आगे का पहिया उड़ा दूंगा पूरा, फ्रैंकलिन को भी होश हो जाएगी शायद, इसकी तबीयत वैसे ठीक हो जाए। खैर गाइस मजाक से हटके उसको फटाफट अभी मैं ले जाता हूँ नियरेस्ट हॉस्पिटल पे, और इसका ट्रीटमेंट करवाने के बाद शायद ही हमको सारी इन्फॉर्मेशन बता पाए, क्योंकि फ्रैंकलिन ही दोस्तों अब हमारी आखिरी उम्मीद है। लेस्टर भी अब कुछ भी नहीं कर पा रहा है, बोला कि वो क्रिमिनल्स बहुत ही खतरनाक, उन्होंने सारे सर्वर डाउन कर रखे, वो हैक ही नहीं कर पा रहा है। तो अब मैं जल्दी से जल्दी गाइस पहुंचाता हूं फ्रैंकलिन को सीधे हॉस्पिटल पे। ओके गाइस तो अभी मैं बाइक से धर्राटे काटते हुए सीधे इसको हॉस्पिटल के पास ला गया हूं, बट एक प्रॉब्लम हुई यार बहुत बड़ी, देखो कितनी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी है फ्रैंकलिन की यार, मुझे लगता है इसका टाइम आ गया है। तो फुल एक पहिए पे मैं सीधे आज गाड़ी चला रहा हूँ भाई, हाईवे पे बात ही नहीं कर रहा हूँ दो पहिए की, तो सीधे भाई दोबारा से धर्राटे काट के दिखाता हूँ भाई कितने नज़दीक से निकला मेरा भी ट्रक फ्रैंकलिन के साथ साथ। शायद मुझे भी एडमिट होना पड़ता है, थोड़ा आराम से चलाना चाहिए शायद मुझे, लेकिन यार आराम से चलाऊंगा तो फ्रैंकलिन कहीं मन ना जाए। और वैसे भी गाइस अब हम लोग उस गली पे शायद पहुंच गए हैं, बस थोड़ी आगे पे वो हॉस्पिटल भी आ जाना चाहिए यहीं आसपास, तो मैंने देखा। ओके गाइस ये देखो इतना छोटा हॉस्पिटल है, बट यहाँ पे बहुत अच्छी खासी जान पहचान है गाइस। माइकल हट जा साइड से, देखो तो भाई हमको वहाँ पे तड़े दिखा रहा है। अच्छा भाई फ्रैंकलिन तू आराम से आ जा, कोई दिक्कत नहीं है, बस तू अब मुझे हॉस्पिटल वालों के सामने माने मत लग जाना है, एक तो सबके सामने इंसल्ट हो गई है, पता चला हॉस्पिटल के सामने मेरे को माने लग गया है।
चलो यार फाइनली गाइस हम हॉस्पिटल तो पहुंच गया। फटाफट से इसको मैं एडमिट करवा देता हूं क्योंकि इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी थी ना फ्रैंकलिन की, मुझे लगा भाई अब तो ये मर ही जाएगा। बट यार बाइक होने का एक फायदा तो है यार, ट्रैफिक से बहुत ज्यादा बच जाते हैं। आजा भाई फ्रैंकलिन आराम से आजा दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। चलो यार गाइस हम लोग अंदर चलते हैं, डॉक्टर से बात तो करें एक बार, फ्रैंकलिन तो धीरे धीरे आ ही जाएगा। वाह यार सफाई वगैरह भी चल रही है और ये देखो कैसा डॉक्टर है भाई, सिगरेट पी रहा है। कह रहा हमें क्या करना गाइस, हमको फटाफट अपना काम निकालना है, चलो इससे बात करते हैं। ओके गाइस तो अभी मैंने फ्रैंकलिन को यहाँ पे एडमिट तो करा दिया है। डॉक्टर बोला वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं, बस दो चार हड्डियाँ टूटी है लेकिन इसकी जान बच जाएगी। अभी मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से बाहर रिसेप्शन में एक शायद कोई खड़ा था उसको ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ, क्योंकि डॉक्टर कोई भरोसा वाला नहीं लग रहा है मेरे को, बहुत ही चिल रिलैक्स वाले मूड में था। बट उसकी जो नर्स थी ना वो शायद फ्रैंकलिन के बढ़िया देखभाल कर देगी, वो थोड़ी सीरियस लग रही थी। ओके गाइस चलो मैं इसको पेमेंट करता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। चलो भाई इसको भी गाइस हमने पेमेंट यहाँ पे कर ही दिए। वैसे ना डॉक्टर भी उतना मजाकिया ही था, ज़्यादा बुरा तो नहीं था। वैसे भी वो फ्रैंकलिन माइकल लोग को जानता है, उनका शायद वो प्राइवेट डॉक्टर है, इसीलिए मुझे लेस्टर ने ये वाला हॉस्पिटल रिकमेंड किया था। बस थोड़ा मजाकिया था, बोला था भाई फ्रैंकलिन अपना भाई है, बस दो चार इंजेक्शन ठोकूंगा उसके पिछवाड़े में वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं यार, वैसे ये बाइक ने आज बहुत साथ दिया, अगर ये बाइक नहीं होती ना शायद फ्रैंकलिन नहीं बच पाता। एक काम करता हूँ गाइस, एक मिनट गाइस, लंबोगिनी सियान ये तो शायद लेस्टर है और ये मेरी तरफ ही तो भाग के आ रहा है, इसको क्या हो गया अचानक से। एक मिनट को गाइस मैं बाइक साइड लगाता हूँ आराम से, भाई ट्रक वाला भी दबा देता तेरे को लेस्टर। ओके गाइस शायद मुझसे कुछ बात करना चाहता है। ओके तो गाइस अभी लेस्टर इतनी ज़्यादा जल्दी में इसलिए है क्योंकि इसने एक बहुत बड़ी लीड पकड़ ली क्रिमिनल्स के बारे में। गाइस ये मुझसे बोल रहा था कि जब ये फ्रैंकलिन के पास गया था तो इसने उसके पॉकेट से एक डिवाइस निकाली जिसको इसने डिकोड करा अभी, और इसको क्रिमिनल्स की लोकेशन पता चल गई है। तो अभी मुझसे ये बोल रहा है कि तू फटाफट से मेरी लंबोगिनी सियान पकड़ और तुरंत उस लोकेशन पे पहुंच जा क्योंकि यहाँ से वो बहुत दूर है, अगर मैंने लेट करी तो वो लोग वहाँ से निकल सकते हैं। वैसे गाइस आज तो देखा जाए मेरे मजे हो गए, सुबह मैंने चलाई थी मैक्लेरन और अभी मैं चला रहा हूँ लेस्टर की इतनी खतरनाक लंबोगिनी सियान। पता नहीं यार कितनी तेजी भागती होगी, अभी तो हाईवे में इसको चलाऊंगा। बट सबसे पहले गाइज मुझे वहाँ पे स्टिकी बॉम्ब्स भी ले जाने पड़ेंगे, लेस्टर ने मुझे बोला था कभी नज़दीकी कोई भी दुकान से तो स्टिकी बॉम्ब्स खरीद लेना। तो एक बार मैप में देख लेता हूँ कि तो पास में ही है। तो चलो यार गाइज ये तो बहुत ही नज़दीक है, पंजा दबाती यार कितनी जल्दी 100 क्रॉस हो जा रही है। मैक्लेरन तो बच्ची लग रही है इसके सामने, साइड हट जा भाई। चलो गाइज मैं फटाफट से अंदर जाके एक स्टिकी बॉम्ब खरीद लेता हूँ क्योंकि देखो मेरे पास सिर्फ एक स्नाइपर है और एक छोटी वाली रिवॉल्वर है। अब बस मुझे गाइज वो स्टिकी बॉम्ब्स मिल जाए इसकी दुकान में तो बढ़िया, लेकिन यार इससे तो शायद दुकान बंद कर रखी है और बाहर से लिख रखा 24 घंटे खुली है। वाह भाई अब गाइज मुझे जल्द से जल्द दूसरी दुकान ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि अगर मैंने यहाँ देर करी तो वहाँ से क्रिमिनल्स हमारे हाथों से निकल जाएंगे। ये रही गाइज दूसरी दुकान, लगता है यू टर्न मारना पड़ेगा। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइज क्योंकि लंबोगिनी सियान इतनी तेज चल रही है ना इसकी, मुझे लगता है कि हम तो बस 2-3 सेकेंड में ही वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये देखो भाई हल्का सा मैंने पंजा दबाया और उसकी स्पीड भाई ये तो कंट्रोल भी बहुत ही मस्त हो रही है। मैक्लेरन मुझे थोड़ी हार्ड लग रही थी बट ये कितनी स्मूथ कंट्रोल हो रही है यार, इसकी स्पीड देखो एक बार आप भाई, एरोप्लेन से भी तेज चल रही है ऐसा लग रहा है। अब मैं गाइस समझ गया कि मुझे लेस्टर ये वाली कार देके क्यों गया, ताकि मैं जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँच जाऊँ। अब तो गाइस को टेंशन वाली बात ही नहीं, मैं सोच रहा था कहीं मुझे आज लेट ना हो जाए वेपन्स खरीदने के चक्कर में। लेट्स गो। ओके तो गाइस अभी मैं यहाँ पे एक नए शहर पे पहुँच गया हूँ गाड़ी को उड़ाते हुए क्योंकि भाई ये चल नहीं सीधे उड़ी। और ये देखो गाइस यहाँ पे दुकान पे आएगी, यहाँ बाहर से बड़ा बड़ा ओपन लिखा है। लेस्टर बोला था गाइस हमको यहीं पे सारे वेपन्स मिल जाएंगे, इसका पहचान वाला है। एक काम करता हूँ गाड़ी को यहीं पे आराम से पार्क कर देता हूँ और जल्दी से अंदर चल कर गाइस स्टिकी बॉम्ब्स को भी हम लोग खरीद लेते हैं। ओके दोस्तों तो अभी मैंने यहाँ से सारे स्टिकी बॉम्ब्स खरीद लिए हैं, ज़्यादा तो नहीं थे इसके बाद बट जितने थे मैंने सारे उठा लिए क्योंकि लेस्टर मुझसे कह रहा था आज इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। बाकी गाइज आप लोगों की ये कार कैसी लग रही है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और वक्त आ गया गाइज फटाफट से उस लोकेशन पे पहुंचने का जहां पर मुझे लेस्टर ने लोकेशन बताई क्रिमिनल्स की। दोबारा हवा से बातें करने का वक्त आ गया है गाइज, लेट्स गो। यहां से वो लोकेशन बहुत ही पास है, ऊपर से इतनी सुपर फास्ट कार भी हमारे पास, तो कुछ ही सेकंड्स में गाइज हम लोग पहुंच जाएंगे। बस आराम से मुझे इसको चलाना पड़ेगा वरना लेस्टर माइकल दोनों इकट्ठे मिलकर मुझे मारने वाले हैं आज भाई, क्या ड्राइवर है बोल के। हालांकि अभी तक मैंने इसकी कार को अभी तक ठोका नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और गाइस अब यहाँ पे आ गया हाईवे, अब देखना इसकी स्पीड क्या भागती है ये 200 किलोमीटर की स्पीड तो गाइस ये मजाक में पकड़ लेती है। ये देख लो भाई इतनी जल्दी गाइस यहाँ पे 220 किलोमीटर की स्पीड इसने टच कर लिया ऐसे हाईवे में। लेकिन जरा एक मिनट शायद मैं थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग आ गया हूँ स्पीड के चक्कर में, भाई इतनी स्पीड में भाग रही रास्ता का पता ही नहीं चल रहा है। यू टर्न गाइस मैंने अभी ले लिया, हल्का सा ऐसे राइट लेना है और हम लोग बिल्कुल सही लोकेशन पे आ जाएंगे। ऑल राइट गाइस तो बस एक ही बैंड में और काटना है और हम लोग उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। इससे पहले कि भाई क्रिमिनल्स वहाँ पे पहुंच जाए मुझे फटाफट से वहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। हालांकि अभी मेरे पास ये कार है ना तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, मैं इतना जानता हूँ कि भाई और तो और मैं 1-2 घंटे पहले ही पहुंचने वाला हूँ। थोड़े से ब्रेक मार लेता हूँ। ओह भाई
वहाँ पे जो स्पीड लिमिट का बोर्ड था मैंने उसको ही उड़ा दिया। मैंने कहा बोर्ड हटाओ भाई, हम तो स्पीड में चलेंगे। ओके ओके गाइस, तो देखो यही ब्रिज मुझे बता रहा था उस वक्त लेस्टर। गाड़ी को आराम से यहाँ पे साइड में मैं लगा देता हूँ। और गाइस ये वही ब्रिज है जिसको मुझे अभी स्टिकी बॉम्ब्स लगा के उड़ाना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। ये जो सामने हाईवे है अभी इसी रास्ते से वो लोग आने वाले हैं। मेरे आइडिया से अभी वो लोग अभी यहाँ पे भी नहीं पहुँचेंगे क्योंकि मैं बहुत स्पीड में आया, ऊपर से शॉर्टकट लेके आया हूँ। तो गाइस मैं फटाफट से ना यहाँ पे अब स्टिकी बॉम्ब्स लगा देता हूँ इससे पहले कि देरी हो जाए, क्योंकि उसको लगाने में भी बहुत टाइम लगने वाला है। 5 या 6 बॉम्ब तो मैं रोड पर लगाऊंगा, बाकी शायद 1-2 बॉम्ब मुझे ना ये साइड में भी लगा लेने चाहिए। एक यहाँ पे फेंक देता हूँ भाई, सामने से हट जा चल फटाफट से। वैसे तो पता है इस बॉम्ब की खासियत क्या है? सबसे बेस्ट चीज़ इसमें यह है कि ये बॉम्ब तब तक नहीं फूटेंगे जब तक मैं इसके रिमोट में बटन नहीं दबाऊंगा। इसका मतलब अगर कोई दूसरी गाड़ी भी इसके ऊपर टिका देती है तो ये बॉम्ब नहीं फूटने वाला है, और इसीलिए शायद लेस्टर ने मुझे ये स्टिकी बॉम्ब के लिए बोला था। तो चलो यार फटाफट से मैं हर जगह बॉम्ब ही बॉम्ब लगा देता हूँ ब्रिज में, इससे पहले कि यहाँ पे क्रिमिनल्स लोग आ जाए। और ये रहा गाइज हमारा आखिरी विस्फोटक, लेट्स गो। हर जगह बस हमने विस्फोटक लगा दिया है। फटाफट से अभी गाड़ी को मैं साइड में लगा देता हूँ इससे पहले कि कोई इसको देख ले। अगर ये ब्रिज उड़ाते टाइम ये कार पे उड़ जाएगी ना तो लेस्टर मेरे को भी उड़ा देगा। लेकिन इस गाड़ी को गाइस मैं छुपाऊंगा वहाँ पे। एक काम करता हूँ, ये यहाँ पे झाड़ियाँ है इसके पीछे मैं लगा देता हूँ और यहीं पे मैं भी छुप जाऊँगा। लेकिन ये पुलिस का साइरन कहाँ से आ रहा है? क्योंकि गाइस तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी और के पीछे है। लेट्स गो इस पहाड़ी पे गाइस मैं चढ़ जाता हूँ। और मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पे ब्रिज का भी आराम से व्यू आ जाना चाहिए। देखो यहाँ पे एक और झाड़ी है तो मैं इसमें भी तो छुप सकता हूँ। वेरी नाइस यार, यहाँ से तो शानदार व्यू आ रहा है। पता नहीं वो लोग कब आएंगे, फिलहाल तो मुझे गाइस यहीं पे वेट करना पड़ेगा। दोस्तों अभी मुझे यहाँ पे पूरा इंतजार करते करते 1 घंटा हो गया, बट अभी तक कोई भी मुझे क्रिमिनल्स के यहाँ पे गाड़ी नहीं दिखी है। पता नहीं यार ये लोग क्या ही करें। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं लोग पहले तो नहीं निकल गए, मुझे लेट तो नहीं हो गया है। बट यार मैं जल्दी जाके भी क्या करूँगा, इससे अच्छा थोड़ा और वेट कर लेता हूँ। फिलहाल मुझे एक वैन को गाइस यहाँ पे ब्लास्ट करना है। मुझे लेस्टर बोला था कि एक वैन आएगी वाइट रंग की, उसी को मुझे ब्लास्ट करना है, उसी में क्रिमिनल्स आने वाले हैं। बट फिलहाल तो दूर दूर तक मुझे एक भी गाड़ी नहीं दिख रही थी, बट एक आर्मी का ट्रक शायद गाइस यहाँ पे देखो आ रहा है और इसमें क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं। मुझे 2-3 येलो क्रिमिनल्स इसमें लग रहे हैं, बाकी थोड़े आर्मी वाले बैठे हैं। पीछे एक और गाड़ी आ रही है और इस पर भी गाइस ग्रीन और येलो क्रिमिनल्स मुझे दिख रहे हैं, बट ये लोग जा कहाँ रहे हैं भाई? पर गाइस मुझे इनको मारने का ऑर्डर नहीं मिला है, मुझे जो अपने बॉम्ब ब्लास्ट करना है वो वैन के। और गाइस देखो वो वैन भी आ गई शायद वाइट रंग की। ओके ओके गाइस तो मुझे इसको ब्लास्ट करना है, लेट्स गो। मैंने बटन दबा दिया और बटन दबाते ही भाई यहाँ पे दिवाली का धमाका भी हो गया है। फटाफट से गाइस इनके पास जाते। पर यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है अभी, मुझे लेस्टर ने बोला था कि मुझे ये वैन उड़ानी है जिसमें क्रिमिनल्स आने वाले हैं, और गाइस यहाँ पे देखो कोई बचा तो नहीं है ना अभी? नहीं भाई, यहाँ पे सभी लोग जल के भस्म हो गए, पूरी क्रिमिनल्स गाइस इसके अंदर बैठे हुए थे। और मेरे एक बटन दबाते ये सारे लोग भस्म हो गए, इनको भाई कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिला, भागना तो दूर की बात। बट फिर भी गाइस मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, क्या पता कोई क्रिमिनल इधर उधर निकल गया हो खिड़की से इस साइड। तो भाई मुझे कोई, ये कौन भाग रहा है इसकी? तो वैसे क्रिमिनल तो गाइस मुझे नहीं लग रहा है, बट देखो वहाँ पे लेट गया यार, छिप क्यों रहा है ये अपनी बात इधर उधर कर सकता है, इसलिए मैंने उसको वहाँ पे उड़ा दिया है। बट इस साइड तो फिलहाल मुझे कोई भी नहीं दिख रहा, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक बार ब्रिज के उस पार दिख लेता हूँ, कोई पानी के रास्ते तो नहीं भाग गया ना? यहाँ पे मुझे एक जेट्स की दिख रही है बट वो क्रिमिनल तो नहीं है गाइस। नीचे जाता हूँ भाई, नीचे नहीं गिरना था, टांग आंग सब तोड़ा गया क्या अपनी? पर कोई बात नहीं गाइस, अभी हम लोग पानी में गिरे तो ज़्यादा चोट नहीं लगी होगी। यहाँ पे देखो भाई ब्रिज के जो साइड के बॉर्डर्स होते हैं ना पूरे छटक गए हैं टूट के। और इस वैन की गाइस मैं एक काम करता हूँ, फोटो खींच के तुरंत लेस्टर को भेज देता हूँ और उसको बताता हूँ कि हमने अपना काम यहाँ पे आराम से कंप्लीट कर दिया है। ये लो भाई, लेकिन एक मिनट, यहाँ पे ये फायर फाइटर्स कहाँ से आ गए यार? ये तो बहुत गलत टाइम पर आ गए, शायद मुझे उनको मानना पड़ेगा। बट एक मैं छुप जाता हूँ, क्या पता यहाँ पे ना ये लोग पानी फेंक रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, कितनी पावरफुल इनकी वाटर गन है, पूरी वैन ही छटका दी इनकी। तो आ जाए बेटा, कभी भी अच्छे लोगों को बचाने तो कभी भी टाइम पे मत आना, निकल जाए यहाँ से। गाइस मुझे इनको जाने नहीं देना होगा क्योंकि ये लोग पुलिस को जाके खबर कर सकते हैं। एक काम करते, पीछे मुझे लटका हुआ दिख रहा है, स्नाइपर से ठोकूंगा इसको। तो भाई एक ही गोली में झड़ गया अपनी पूरी वैन से, बट एक ड्राइवर गाइस सक्सेसफुली भाग गया। चलो गाइस छोड़ो, मुझे यहाँ पे ज़्यादा देर वैसे रुकना भी नहीं है। यहाँ पे देखो थोड़ा कैश पड़ा हुआ है तो फटाफट से मैं कैश भी उठा लेता हूँ। पर गाइस मुझे अभी एक बात समझ में नहीं आ रही, समंदर में तो नहीं चलेगी ना ये गाड़ी? चलो भाई पत्थर ने इसको बचा दिया है। लेकिन गाइस अभी मैं ये सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे लेस्टर ने बोला था इस वैन को उड़ाने के लिए और हमने उड़ा भी थी, बट क्रिमिनल्स गाइस सिर्फ इसमें नहीं थे। हम लोगों ने देखा कि एक आर्मी का ट्रक भी आया था जिसमें क्रिमिनल्स बैठे हुए थे, उसके पीछे एक और हमने गाड़ी देखी थी उसमें भी भाई क्रिमिनल्स बैठे हुए थे। पता नहीं दोस्तों अभी क्रिमिनल्स आर्मी वालों के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन जाके गाइस मुझे तुरंत देनी होगी अभी लेस्टर को। और यहाँ पे एक मिनट रुको, एक और बंदा मुझे दिख रहा है इसके, तो वैसे तो फिशिंग कर रहा है, बट रिस्क नहीं लेना भाई, कोई भी हमारी यहाँ पे वीडियो बना के वायरल कर सकता है। इसलिए गाइस मैं जो भी मुझे दिख रहे सभी को उड़ा दे रहा हूँ, लेट्स गो। फिलहाल मैं फटाफट से यहाँ से निकलता हूँ इससे पहले कि पुलिस वगैरह भी आ जाए। दरवाज़ा भी अपने आप ही बंद हो गया और आराम से यार यही दिक्कत होती है सुपर कार्स में गाइस, ये लोग भागते थे बहुत तेज़ है
बट ऑफ रोडिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाती है। बट कोई बात नहीं गाइस, ये सब छोड़ो, अभी मुझे तुरंत निकलना पड़ेगा लेस्टर के ऑफिस के लिए। हम लोगों ने वो वैन तो उड़ा दी जिसमें उन्होंने फ्रैंकलिन को फेंका था, बट वहाँ पे और भी ज्यादा क्रिमिनल्स थे, वो भी आर्मी वालों के साथ। भाई जल्दी से मुझे लेस्टर को ये बात बतानी पड़ेगी, लेट्स गो। ओके गाइस, तो अभी हम लोग फुल स्पीड में भगा के इस गाड़ी को ला गए हैं सीधे लेस्टर के ऑफिस पे। आराम से भाई, आराम से, रुक जा रुक जा, यहाँ से हल्का सा लेफ्ट लेना है। अभी तक मैंने गाड़ी नहीं ठोकी, लास्ट टाइम अगर गड़बड़ हो जाएगी ना तो भाई लेस्टर बहुत गुस्सा करेगा। अरे भाई क्या हुआ, इसकी ब्रेक फेल हो गया क्या? हम लोगों ने इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग करी ना, शायद इसके एक दो ऊर्जे पुर्जे ढीले हो गए होंगे। गाइस फिलहाल ये सब छोड़ो, हमको तुरंत जाके वो इन्फॉर्मेशन लेस्टर को बतानी पड़ेगी और पूछना होगा कि ये क्रिमिनल्स लोग आर्मी के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं। अभी कार को यहीं पर फटाफट से पार्क करता हूँ, फुल स्पीड में नीचे भागना पड़ेगा भाई, क्योंकि मैं यहाँ से जितनी देरी करूँगा वहाँ उतना बड़ा सीरियस मैटर बन सकता है। रास्ते में मुझे फ्रैंकलिन का भी कॉल आ गया था हॉस्पिटल से, वो बोला कि अब वो ठीक है पहले से, और मैं यहाँ पे इनके लिफ्ट पकड़ता हूँ, सीधे निकलता हूँ उनके सीक्रेट बेस के लिए। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं लिफ्ट लेके सीधे इनके नीचे सीक्रेट बेस में आ गया हूँ। और ये देखो माइकल की गाड़ी भी मुझे यहीं पे दिख रही है, इसका मतलब माइकल भी आसपास ही होना चाहिए। वहाँ पे एक बुकाटी दिख रही है और लैम्बोर्गिनी से यहाँ तो गाइस मैंने ऊपर लगा दिया है। देखो सामने लेसर बैठा हुआ है, जल्दी से इसके पास चलता हूँ, उसको बताता हूँ कि भाई हमने वहाँ पे मिलिट्री के साथ क्रिमिनल्स को देखा है। ओके दोस्तों, लेसर मुझसे बोल रहा है कि इसको भी इस बारे में तो कुछ भी नहीं पता था कि क्रिमिनल्स मिलिट्री वालों के साथ आखिर क्या कर रहे हैं। इसने बस वो वाली वैन ट्रैक करी थी जिसमें इन्होंने फ्रैंकलिन को फेंका था ग्रेवयार्ड में, उसको तो हमने उड़ा दिया। बट अभी ये कह रहा है कि अगर तुम्हें और इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो तुरंत अभी तुमको निकलना पड़ेगा मिलिट्री बेस के लिए। वैसे मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था, मैं कह रहा था यार दोबारा लैम्बोर्गिनी सियान या फिर बुगाटी चलाने का मौका मिलेगा, बट ये मुझसे बोल रहा है कि तुम इस बार ऑफ रोडिंग वाली बाइक में जाओ, सुपर बाइक में भी नहीं जा सकते हो। गाइस ये रही ऑफ रोडिंग माउंटेन बाइक, वैसे बोला था कि ये भी बहुत खतरनाक है, तुमको मजा आएगा, बट वो अभी इसको चलाने के बाद ही पता चलेगा। लेट्स गो। इनका देखो पीछा वाला भी रास्ता, यहाँ से सीधे पहाड़ी से नीचे कुदा देता हूँ। अब ऑफ रोडिंग बाइक है तो भाई रोड में भी चलाएंगे, हम ऑफ रोड ही जाएंगे पूरा आराम से। भाई भाई, एक तो पहली बार मैं आलिए बाइक चला रहा हूँ, अगर सीधे नीचे गिरा तो हड्डी भी नहीं मिलने वाली है। वैसे दोस्तों लेस्टर मुझसे बोला था कि ये तो बहुत सीरियस मैटर हो सकता है, क्योंकि मैंने भी पहले यही सोचा था कहीं ये क्रिमिनल्स गुंडे के साथ मिलकर काम कर रहे होंगे, बट ये लोग कोई गुंडे या बड़े माफिया के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं डायरेक्ट मिलिट्री वालों के साथ मिलकर। तो अभी मुझे लेस्टर ने बोला कि तुम फटाफट से क्लोथिंग स्टोर में जाओ और वहां से एक आर्मी का गेटअप ले लो, क्योंकि मुझे मिलिट्री बेस में अगर घुसना है तो इस ड्रेस में तो बिल्कुल भी मैं नहीं घुस सकता, वहाँ पे जो मिलिट्री वाले ही होते हैं। तो भी दोस्तों मुझे तुरंत निकलना पड़ेगा गैस स्टोर पे जहाँ पे मुझे आर्मी की क्लोथिंग मिल जाए। लेट्स गो। क्योंकि गाइस, तो अभी इस बाइक को मैं भगाते हुए सीधे हाईवे में ला गया हूँ, क्योंकि मैंने शहर की हर दुकान छान दी बट मुझे कहीं पे भी आर्मी का गेटअप नहीं मिल रहा यार। ये एक आखिरी दुकान बची है, आई होप कि यहाँ पे मुझे आर्मी का गेटअप मिल जाए। गेट कहाँ से इसका? ओके ये रहा गेट, अगर यहाँ पे नहीं मिला फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। लेट्स गो, यहाँ पे मैं बाइक को पार्क कर देता हूँ। वैसे सही बताऊँ तो अभी मेरा मन कर रहा है बाइक को लेकर सीधे अंदर ही घुस जाऊँ शोरूम के, बट नहीं अभी ऐसा नहीं करना यार, हमको फटाफट से आर्मी वाला गेटअप ढूंढना पड़ेगा। माइकल से फोन करके अभी मैंने पूछते था, उसने मेरे को ये वाला रिकमेंड करा, बोला था कि यहाँ पे तुमको सारे आइटम मिल जाएंगे, जूता चश्मा जो तुम चाहो। तो चलो गाइस, अब मैं जल्दी से यहाँ पे आर्मी की ड्रेस ढूंढ लेता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैंने यहाँ पे पूरा आर्मी का गेटअप ले लिया है, कुछ ये लुक मेरा बाहर निकल के आया है। वैसे शानदार ही लग रहा है, पूरा अमेरिकन सोल्जर लग रहा है ये। मेरे ख्याल से आर्मी वालों को अब बिल्कुल भी इस पर डाउट नहीं जाने वाला है। फिलहाल गाइस मैं इनको फटाफट से यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ। थैंक यू सो मच मैडम। हाँ भगरी, थोड़े पेमेंट तो लेके चले जा ब्रो। अरे रुक जा। हाँ ठीक है। ओह गाइस इसको देखो, शायद ये बंदूक की पेमेंट नहीं लेना चाहती है। एक काम करता हूँ, इसको हम बहुत ही प्यार से, अगर ये चाहती है बंदूक से ना मरे तो उसको हम बिल्कुल हथौड़ी से मार देंगे। रुको मेरे पास हथौड़ी थी ना, हाँ ये रही। ज़्यादा दर्द नहीं होगा, बस आँखें बंद कर ले और एक हथौड़ी में तेरा गेम खत्म कर दूंगा मैं, कंफर्म कर लेता दो तीन हथौड़ी मार के। गाइस वैसे मुझे इनको अभी इसलिए मारना पड़ा क्योंकि ये लोग मेरी इन्फॉर्मेशन बाहर लीक कर सकते थे कि यहाँ से एक बंदा आया था आर्मी का गेटअप लेके, और बाद में अगर आर्मी वालों के साथ कोई दिक्कत हुई तो फिर हम लोग वहाँ पे फंस सकते थे, इसलिए मैंने दोनों को यहाँ पे उड़ा दिया है। अब फटाफट से गाइस हम लोग अपनी बाइक में बैठ जाते हैं ऑफ रोडिंग और सीधे निकलते हैं मिलिट्री बेस के लिए। वैसे यार ये वाला गेटअप गाइस आप लोगों को कैसा लग रहा है आर्मी का, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। लेट्स गो गाइस, अब तो हाईवे में फुल स्पीड में इसको भगाने वाला हूँ, मिलिट्री बेस भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलो गाइस जल्दी से मैं आपको वहीं पर मिलता हूँ। दोस्तों अभी मैं अपनी बाइक को यहाँ पर ले आऊँ सीधे मिलिट्री बेस के सामने, गाइस वो रहा सामने मिलिट्री बेस। और अब मैं ये रास्ते को देख के समझ गया हूँ कि मुझे लेस्टर ने कार लाने के लिए क्यों मना किया था। ये बाइक तो भाई बहुत ही सॉलिड है, चाहे कितनी ऊपर खबड़ हो ना बहुत ही बढ़िया तरीके से चल जा रही है, चाहे पानी हो या कीचड़। बट गाइस फिलहाल तो मुझे अंदर घुसने में कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। भाई तो मेन रोड में आ गया, कोई मिलिट्री वाला ना आ जाए, काम करता हूँ कि ऊपर पहाड़ी में चढ़ तो जाएगी ना ये। चढ़ जा। ओ भाई साहब क्या पावर है इस गाड़ी की, कहीं पर भी चढ़ जा रही है। अब बस गाइस मुझे यहाँ से अंदर जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, कि अभी जब मैं हाईवे के रास्ते गया था ना तो बाहर से पूरे आर्मी ही वाले वहाँ पे हर जगह फैले हुए थे। देखो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिख रखा है अंदर जाना सख्त मना है, बट हम लोग तो भाई अंदर जाने ही वाले हैं क्योंकि यहीं पे हमको आगे की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट
आखिर कैसे अंदर घुसू यार, इतनी बड़ी इन्होंने केज बना रखी है। देखो दूर दूर तक इन्होंने लोहे की ही बाउंड्री कर रखी है। अगर मैं एक केज को गाइस काट के अंदर भी घुस जाऊँ ना, तो उसके बाद दोबारा मुझे दूसरी केज भी काटनी पड़ेगी। तो इस तरीके से गाइस मैं अंदर नहीं घुस सकता हूँ, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा अंदर घुसने का। कुछ ना कुछ तो गाइस यहाँ पे लूप होल जरूर होगा। फिलहाल तो गाइस इस एरिया में ना वैसे एक चीज तो अच्छी कि एक भी मुझे मिलिट्री वाला नहीं दिखा है। बट यार यहाँ से मैं घुसूंगा कैसे, एक काम करता हूँ थोड़े और आगे चलता हूँ, वहाँ पे शायद मिलिट्री वालों का हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पे शायद हमको कुछ मिल सकता है अंदर घुसने का। मिलिट्री बेस पे घुसने के दोस्तों बस दो ही रास्ते हैं, एक या तो गेट से जो कि इम्पॉसिबल था। वैसे मैंने आर्मी का गेटअप ले रखा, बट वो आईडी तो मांगते ना, इसलिए वहाँ से तो मैं नहीं जा सकता। और बाकी दूसरा रास्ता हम लोग किसी हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं और सीधे नीचे पैराशूट से पहुँच जाएंगे, बट ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि आर्मी वाले पूरी एक एक चीज़ की खबर रखते हैं भाई, कौन सा हेलीकॉप्टर आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। मैं जैसे ही हेलीकॉप्टर से कूदूंगा ना, वो लोग सीधे मुझे हवा में ही भून देंगे, मरने के लिए नीचे जमीन भी नसीब नहीं होगी। फिलहाल तो गाइस मैं यहाँ पे आ गया और ये शायद आर्मी का हेडक्वार्टर एरिया है। बाइक को थोड़ी पीछे कर लेता हूँ, कोई देख ना ले मेरे को, शायद यहाँ से व्यू मेरे को आ सकता है। ये हेलीकॉप्टर कहाँ से आ रहा है, कहीं से हेलीकॉप्टर की तो आवाज़ आ रही है भाई, किसी ने मुझे स्पॉट तो नहीं कर लिया। ओ गाइस ये देखो, ये रहा मिलिट्री का हेलीकॉप्टर। इसीलिए गाइस मैं कह रहा था कि यहाँ पे एयर से आना भी इम्पॉसिबल है, अगर जैसे कोई दूसरा हेलीकॉप्टर यहाँ पे आ जाए ना, ये लोग उसको हवा में ही फोड़ देंगे। फिलहाल तो पता नहीं है कोई लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा है शायद। और एक बात अच्छी कि इन्होंने मुझको इग्नोर कर दिया, शायद मुझको ही देख रहे थे, बट मेरे गेटअप देख के ये लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे। चलो कुछ तो फायदा हुआ इस आर्मी के गेटअप का। फिलहाल गाइस ये सब छोड़ो, मुझे कोई अंदर जाने का रास्ता यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा यार। यहाँ आसपास तो मुझे एक भी नहीं गाइस मुझे एक मिलिट्री सोल्जर यहाँ पे दिख गया है। और ये हेडक्वार्टर कितना लंबा है भाई, अब मुझे एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ से मैं इजी एंट्री कर पाऊँ। यहाँ पर तो गाइस मुझे एक ही गार्ड दिख रहा है। वैसे हम एक और काम भी तो कर सकते हैं। अभी गाइस मुझे एक बहुत ही शानदार आइडिया आ गया है। ये जो पहाड़ी है, अगर यहाँ पे मैं फुल स्पीड में इस गाड़ी को भगाऊँ और आगे का पहिया लास्ट टाइम पे अगर उठा दूंगा, तो शायद हम अंदर एंट्री कर सकते हैं। बस थोड़ा रिस्की है, पर क्या करें, कोई और रास्ता मुझको मिल भी नहीं रहा अंदर घुसने का। भाई भगवान का नाम लेता हूँ और सीधे कूद देता हूँ, क्योंकि इसके अलावा अंदर जाना इम्पॉसिबल है। वैसे बाइक में पावर तो बहुत है, पर जंप भी बहुत हमको लंबी माननी है। लेट्स गो। ओ भाई गिरते गिरते गाइस अभी हम यहाँ पे बच गए और मेरी अंदर सक्सेसफुली एंट्री हो गई। भाई विश्वास नहीं हो रहा है, इतना ईजी था क्या, मैं इतना सोच रहा था। पर एक ही जंप में गाइस अभी मैं अंदर पहुँच गया हूँ। बाइक मैंने चुपचाप साइड में लगा दिया है और सामने मुझे दो सोल्जर्स और दिख गए हैं, बट आई थिंक उन्होंने अभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया है। भाई अगर किसी मिलिट्री वाले ने मेरे को अंदर कुदाते हुए इस तरीके से देख लिया होता ना भाई, यहीं पे मेरा एनकाउंटर हो जाता, बट नहीं देखा। तो गाइस अभी हम लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से एकदम रिलैक्स होकर चलते हैं। गाइस देखो पीछे मैंने वहाँ पे बाइक लगा दी है, तो बाइक की तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत सस्ती बाइक है। इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ लेके घूमते हैं लेस्टर लोग, तो ये तो उनके लिए बस खिलौना ही होनी चाहिए। बट मुझे बाइक बहुत पसंद आई है, पर्सनली बहुत पावरफुल है। क्या बात है यार, क्या दिमाग पाया लेस्टर ने, शायद इसीलिए गाइस उसने मुझको ये बाइक से जाने के लिए बोला होगा। और गाइस देखो ये रहे वो दो सोल्जर्स और सामने मुझे एक और मिलिट्री वाला दिख रहा है। उस वक्त जब हम लोग दूरबीन से देख रहे थे तो मुझे बस एक ही दिखा था। और ये लो भाई एक और हेलीकॉप्टर आ गया, ये वही वाला आ गया। ये मुझको तब से देख तो नहीं रहा है, तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट नहीं ये मुझको तो नहीं देख रहा होगा। मेरे ख्याल से ऐसी गश्त मार रहे इधर से उधर देखने के लिए। अब वो क्रिमिनल्स को गाइस हमको ढूंढना होगा। ये देखो गाइस अभी मेरे सर के ऊपर ही आ गया भाई, ये मेरे ऊपर ही क्यों उड़ रहा है, इसको पक्का मेरे ऊपर डाउट हो रहा है शायद। ओ भाई यहाँ पर तो गाइस टैंक भी आ गया है, और ये मेरी तरफ ही क्यों आ रहा है, ऊपर से हेलीकॉप्टर नीचे से टैंक। भाई मुझे टैंक से उड़ाने वाले तो नहीं है ना, एक काम करता हूँ यहाँ पे गार्ड की तरह खड़े हो जाते हैं चुपचाप। हेलो हेलो। ओ भाई मैं तो डर ही गया था, इसने मेरे को हे व्हाट्सअप बोला तो मेरी थोड़ी सांस पर सांस आई। चलो गाइज इसका मतलब आर्मी वाले अभी मुझ पर बिल्कुल भी डाउट नहीं कर रहे, टैंक वाले ने भी मेरे को इग्नोर कर दिया। अब मैं जल्दी से भाग के गाइज किसी हाइट वाले एरिया पे जाता हूँ, ये हेडक्वार्टर के पास चलते हैं। गाइज मेरे ख्याल से ये बेस्ट जगह है। उस वक्त गाइज हम जो दूरबीन से हेडक्वार्टर को देख रहे थे ना, ये वही वाला हेडक्वार्टर है। और मैं फटाफट से अब यहाँ पे ऊपर चढ़ जाता हूँ, इससे पहले कि यहाँ पे गड़बड़ हो जाए, क्योंकि मैं जितनी देर यहाँ पे रहूँगा ना उतना ज़्यादा रिस्क है। ऑलराइट गाइज तो अभी मैं ऊपर तो चढ़ गया हूँ, एक जंप यहाँ पे मार लेता हूँ और बस आई थिंक अब हमको बेस्ट कवर यहाँ पे मिल गया, यहाँ से हम हर जगह नज़र रख सकते हैं। चलो भाई फटाफट से अपनी दूरबीन निकालता हूँ और क्रिमिनल्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो है तो यहीं पे। वैसे दोस्तों मैं इससे भी ऊंचे पॉइंट में जा सकता हूँ, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ऊपर से रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, तो आई थिंक ये वाली जगह से भी बात बन जानी चाहिए। एक बार मैं दूरबीन लगा के देखता हूँ, शायद यहाँ से व्यू आ जाए। ओके तो गाइस यहाँ पे मुझे कुछ आर्मियों की गाड़ियाँ दिख रही हैं और यहाँ पे कुछ आर्मी वाले, और शायद मुझे इतना क्लियरली दिख नहीं रहा है, बट अगर मैं अपनी पोजीशन चेंज करूँ तो शायद हम अच्छे से देख सकते हैं। ओके गाइस एक बार यहाँ से ट्राई करता होगा। ऑलराइट और भाई देखो हमारा शक बिल्कुल सही था, यहाँ पे
मुझे क्रिमिनल्स के हेड दिख गए, देखो लाल पीले अलग ही चमक रहे हैं, और ये लोग शायद किसी आर्मी कर्नल से इम्पोर्टेंट मीटिंग कर रहे हैं। काम करो गाइस, थोड़ा और हाइट में जाता हूँ क्योंकि यहाँ से साफ नहीं दिख रहा था। हाँ गाइस, ये जगह एकदम परफेक्ट है और इससे ज्यादा मैं हाइट में आप जा भी नहीं सकता हूँ। ऑल राइट गाइस, देखो यहाँ से पूरा क्लीन व्यू आ रहा है और ये लोग शायद दोस्तों यहाँ पे किसी इंसान से बात कर रहे हैं जो कुर्सी पे बैठा हुआ है। मेरे ख्याल से गाइस यहाँ से भी उतना हम इस स्टोरी को जज नहीं कर सकते हैं, मेरे ख्याल से हमको और नज़दीक जाना चाहिए। फिलहाल गाइस मुझे क्रिमिनल्स तो मिल गए हैं और उनकी उल्टी गिनतियाँ भी अब शुरू हो चुकी है, लेकिन उससे पहले गाइस मुझे वहाँ पे जाके अच्छे से सब कुछ देखना पड़ेगा कि आखिर ये लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, और सबसे मेन बात इन लोगों को मैं मारूंगा कैसे। मैं मिलिट्री बेस के अंदर तो जैसे तैसे यहाँ पे आ गया हूँ, लेकिन बाहर निकलने का प्लान मेरे पास नहीं है और ना ही मुझे लेस्टर ने इस बारे में कुछ बोला था। और बाहर निकलने से पहले तो मुझे इन सारे क्रिमिनल्स को मारना भी है। गाइस अभी हमको हर कदम फूक फूक के चलना पड़ेगा क्योंकि किसी भी मोड़ पे आर्मी वाले हो सकते हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे एक और मुझे येलो क्रिमिनल गाइस मिल गया, पर यहाँ पे क्या कर रहा है? एक बात अच्छी की गाइस, अभी ये मेरे ख्याल से चिल कर रहा है, इसने हमको नहीं दिखा है, तो हम लोग उसको बड़े आराम से लपेटे में ले सकते हैं। सबसे पहले तो गाइस मैं टैंकी के पीछे चले जाता हूँ, पता नहीं क्या ही भोंदू आदमी है, डांस कर रहा है, शायद बहुत ज़्यादा खुश है। अभी इसकी खुशी इसके जेब में मैं डालता हूँ। बड़े से पहले गाइस मैं आसपास देख लेता हूँ, कोई है तो नहीं ना आदमी वाला। ओके गाइस, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अकेला है, तो अभी मेरे पास बेस्ट टाइम है इसको मारने के लिए। अपना चाकू निकलता हूँ और एक ही चाकू में इसका खेल ख़त्म करना पड़ेगा। आया बड़ा, अरे भाई घास नहीं काटनी यार, उसको मारना है। ओके तो गाइस मैंने अभी इसके चेहरे पे एक और चाकू मार दिया, अब तो 100% ये मर गया होगा, किसी ने देखा तो नहीं ना, शायद अभी मुझको किसी ने भी देखा। तो फटाफट से उसको उठाता हूँ, मैं नहीं चाहता भाई कोई भी इसको खुलेआम खेत में पड़ा हुआ देखे, जल्दी से उसको किसी कोने में ठिकाने में लगा देता हूँ। चल भाई कितना भारी है यार, तू भी बहुत हसरा था ना, अब अच्छा लग रहा है तेरे को? चलो गाइस इसको मैं इसी दीवार के कोने में छोड़ देता हूँ। अभी तो बस हमने सिर्फ एक ही क्रिमिनल मारा है, पता नहीं उतने सारे मैं क्रिमिनल्स को कैसे मारने वाला हूँ, इन लोगों को चाकू से तो नहीं मार सकता, ऊपर से इनके पास पूरी मिलिट्री पावर, अगर एक को भी मैं मारूंगा ना तो पूरी मिलिट्री पावर यहाँ पे मेरे पीछे पड़ जाएगी। टैंक, जेट प्लेन, हेलीकॉप्टर, भाई क्या कुछ नहीं इनके पास। और फिलहाल तो गाइज हमको भी एक टैंक मिल गया, फटाफट से इसके अंदर बैठ जाता हूँ और इसकी मदद से गाइज हम उसके पास भी जा सकते हैं, हम पे ऐसा कोई डाउट भी नहीं करेगा क्योंकि इस रोड पे तो टैंक गाड़ियाँ चलती ही रहती है। बस ये येलो क्रिमिनल को कोई देख नहीं ले यार यहाँ पे, क्योंकि किसी ने भी अगर उसको देखा ना तो पूरे मिलिट्री बेस में बहुत जोर से सायरन बज जाएगा और मेरा गेम यहीं पर खत्म हो जाएगा। फिलहाल तो गाइज अभी मैं टैंक के अंदर हूँ, पहले देख लेता हूँ आसपास को है तो नहीं ना। ओके गाइज पूरा रास्ता साफ है, धीरे धीरे अब आगे बढ़ता हूँ मैं और देखता हूँ कि अगर यहाँ पे मामला क्या है यार, क्या चल रहा है यहाँ पे। मिलिट्री का कर्नल गाइज शायद यहाँ पे कुछ तो नेगोशिएशन कर रहा है क्रिमिनल लोगों के साथ, और अभी पूरी क्रिमिनल्स की टीम गाइज मेरे टैंक के निशाने में है, बस एक बटन में दबाऊंगा इनका पूरा गेम एक ही बार में खत्म हो जाएगा। बट वो भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आसपास हम पूरे मिलिट्री बेस के अंदर है, अगर इतनी बेवकूफ़ी भरा हमने स्टेप उठाया तो हमारा गेम यहीं पे खत्म हो जाएगा और शायद सारे क्रिमिनल्स मरे भी ना। ऊपर से यार ये हेलीकॉप्टर मुझे इतना ज़्यादा डराया जा रहा है ना, बार बार आते जा रहा है। मैंने यहाँ पर टैंकर बीच रास्ते में खड़ा कर दिया, शायद इसको मेरे पर डाउट हो रहा होगा। अब इससे पहले कि गाइस कुछ और गड़बड़ हो, मैं फटाफट से एक काम करता हूँ, इन लोगों की फोटो खींचता हूँ और तुरंत लेस्टर को भेज देता हूँ। ये रहा गाइस आर्मी कर्नल, और देखो वहाँ पे शायद ये क्रिमिनल्स लोगों को कुछ तो समझा रहा है। ऑल राइट गाइस, इन लोगों को मारने से पहले मैं एक फोटो क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि शायद हमको बाद में काम आ सकती है। ओके दोस्तों, अभी मैंने एक फोटो तो खींच लिया, पर जो वहाँ पे कुर्सी पे बैठा हुआ ना उसके चेहरे की फोटो भी मुझे खींच लेनी चाहिए क्योंकि शायद उसी के लिए ये क्रिमिनल्स काम कर रहे हैं। आज तो सबकी बैंड बचेगी, तुम लोग उल्टी गिनती शुरू कर दो, थोड़ा और आगे मुझको जाना चाहिए, बस ये लोग मेरे ऊपर डाउट ना करें यार कि ये टैंक कौन चला रहा है करके। ओके गाइस, यहाँ पर से मुझे शायद उसके पिक्चर मिल जाएगा, यहीं पर टैंक को रोक लेता हूँ और जल्दी से बाहर निकल के इसकी फोटो भी क्लिक कर लेते हैं। एक तो यार क्या है ना, ये टैंक के अंदर से भी हम फोटो नहीं खींच सकते क्योंकि खिड़की होती नहीं है इसमें। ऑल राइट, तो अभी तो फिलहाल मुझे किसी ने भी नहीं देखा है, फटाफट से फ़ोन निकालता हूँ और इसकी भी तस्वीर खींच लेता हूँ। आ जा भाई, कैमरा कहाँ है? ओके चलो गाइस, इसकी भी मैंने फोटो खींच ली है और अब होने वाला है असली एक्शन। लेकिन यार उससे पहले मुझे ये भी तो देखना है कि मैं बाहर कैसे निकलूँगा। फिलहाल मेरे को टैंक तो मिल गया है, बट इससे मैं बाहर थोड़ी जा सकता हूँ यार, इतना स्लो होता है। वैसे यहाँ पर मैं कुछ हेलीकॉप्टर्स और प्लेन भी देख रहा हूँ, इनकी मदद से मैं बाहर निकल सकता हूँ। चलो छोड़ो गाइस, ये उसी वक्त देख लेंगे भागने का, फिलहाल तो मुझे इन लोगों की बैंड बजानी है इससे पहले कि यहाँ पर कुछ और गड़बड़ हो जाए। जल्दी से टैंक के फाटक को खोल के अंदर घुसता हूँ और अब होने वाला है अस्थिर धमाका। चलो भाई अब तुम लोग अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, ये लोग सब मेरे निशाने पे हैं। 3, 2 नहीं, देखो यहाँ पे कुछ तो मूवमेंट होने लगी है, अब ये लोग क्या करने वाला है? यहाँ पर आर्मी के कर्नल और उसके गार्ड्स गाड़ी में बैठ के कहीं तो जा रहे हैं। इन लोगों को मेरे ऊपर डाउट तो नहीं हो गया ना? कुछ तो फिलहाल गाइस कोई भी नहीं, तो मेरे ऊपर तो शायद इनको डाउट नहीं हुआ है। एक मिनट गाइस, पहले मैं इनको देखता हूँ कि ये लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं। ओके वो तो उस ओर जा रहे हैं यार। ओ भाई ये क्रिमिनल्स कहाँ से आ गए? ओ भाई उन्होंने तो फायरिंग भी शुरू कर दी। एक मिनट, इनकी तो जाओ भाई, एक ही बॉम्ब में तुम सब लोग उड़ने वाले हो। गाइस यहाँ पे मैंने बहुत भयानक युद्ध तो छेड़ दिया, लेकिन
एक बहुत बड़ी शायद मुझसे गड़बड़ भी हो गई है। ये साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? एक दो साइंटिस्ट आए हुए थे, एक को तो गाइस मैंने उड़ा दिया, लेकिन दूसरा शायद अपने बॉस के साथ उस हेलीकॉप्टर में टेक ऑफ कर गया। देखो ये हेलीकॉप्टर बहुत परेशान कर रहा था। आजा भाई एक मिनट गाइस, सबसे पहले मुझे ना ये हेलीकॉप्टर का बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी हेलीकॉप्टर में वो साइंटिस्ट और क्रिमिनल्स का बॉस उड़ के गया है। लेकिन लगता है गाइस अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इस टैंक से तो मैं उनको नहीं मार सकता, और ये मिलिट्री वाले भी आप पूरी आर्मी के साथ मेरे पास आने लग गए। आ जाओ भाई, तुम लोग उससे डरता नहीं हो, तो अगर मेरे पास एमओ भी खत्म हो गया ना, सिर्फ टैंकर भी मैं इनके ऊपर चढ़ा के मार सकता हूँ। ये लो भाई, एक एक निशाने को तुम लोग उड़ जाओ भाई, टक्कर मारेगा हमको। ये लोग तो दोस्तों मेरे सामने माचिस की डिब्बियों की तरह आ रहे हैं, और एक ही बटन दबा के इनका गेम खत्म हो जा रहा है। वहाँ पे मैंने एक हेलीकॉप्टर को भी निशाना मार दिया। आ जाओ भाई तुम लोग। ओ भाई, अब तो गाइज ये बहुत ही बड़े बड़े ट्रक मेरे पर लाने लग गए हैं, और सामने से कुछ और भी गाड़ी मेरे पास आ रही है। लेकिन पहले ना गाइज मैं इसको उड़ाता हूँ, ये ट्रक में बहुत बड़ा वेपन लगा है। कितनी स्पीड में आ रहे हैं यार ये लोग, लेकिन अपने टैंकर के सामने गाइज कोई भी नहीं टिक रहा है। ये देखो कितने बड़े बड़े ट्रक से ला रहे हैं। फिलहाल गाइज ये लोग मुझको शायद डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मुझे सबसे पहले तो अपने दुश्मनों को मारना है, जो कि है क्रिमिनल्स। वैसे तो ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे सब डेड पड़े हुए दिख रहे हैं, बट मैं अभी श्योर नहीं हूँ। मुझे उतर के सबको चेक करना पड़ेगा कोई मरे है कि नहीं। लेकिन यार ये आर्मी वाले मेरा काम आसान नहीं कर रहे हैं, ये लोग मुझे उल्टा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बट क्या करें यार, ये लोग मेरे कामों के बीच में क्यों आ रहे हैं भाई? तुम सबको मरना ही पड़ेगा, क्योंकि तो अभी मेरे पास कोई भी गाड़ी नहीं। ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि टैंकर के बाहर ही मैं मर सकता हूँ। फटाफट से एक काम करते, ग्रेनेड ही फेंक देता हूँ। जो मरने की एक्टिंग कर भी रहा होगा ना, सीधे वैसे मर जाएगा। लेट्स गो, फटाफट से यार ट्रक के अंदर भी घुसना पड़ेगा, क्योंकि ये आर्मी वाले अब पागल से हो गए हैं। अब तो गाइस कोई भी नहीं बचा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे पूरी आग लगी है ग्रेनेड से, और बचे कुछ क्रिमिनल्स को मैंने टैंक की गोलियों से भून भी डाला है। अब मुझे बस यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यार ये आर्मी वाले बस आते ही जा रहे हैं और खत्म ही नहीं हो रहे हैं। वैसे अपना टैंक भी गाइस बहुत ही पावरफुल है, इतने सारी गोलियां इसने झेल ली है। अगर ये टैंक मेरे पास नहीं होता तो शायद मैं अभी तक जिंदा भी नहीं होता। लेकिन यार अब तो ये बहुत बड़े बड़े ट्रक में आर्मी भर के लाने लग गए हैं। वो देखो एक और चीप आ रही है इसके, तो चल फुर्सत पर निकल गए। फटाफट से मुझे बाहर निकल के इन्हें किसी हेलीकॉप्टर में जाना पड़ेगा। ये वाला हेलीकॉप्टर तो ओपन है यार, इसमें नहीं जाता हूँ, थोड़ा बड़ा भी है, शायद इसमें स्पीड नहीं होगी। कि बीच वाला हेलीकॉप्टर सही लग रहा है। चलो गाइस जल्दी से मैं इस पे बैठ जाता हूँ। इस वाले हेलीकॉप्टर में तो यार एमओ भी है, तो मैं इसी से फाइट भी कर सकता हूँ। लेकिन एक मिनट भाई, इस हेलीकॉप्टर में कुछ तो गड़बड़ है, नीचे का फाटक खुला है भाई, मैं सीधे नीचे गिर गया पायलट सीट से। नहीं 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 गाइस, बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, मुझे जल्दी से कोई दूसरा हेलीकॉप्टर में जाना पड़ेगा। अब तो टाइम भी नहीं है, जो हाथ लग रहा है इसी पे बैठ जाता हूँ, क्योंकि आर्मी वाले भी मेरे आसपास आ गए, गोली चलाने लग गए। इतना बड़ा हेलीकॉप्टर में उड़ा भी पाऊंगा? ये तो बहुत स्लो होगा यार, इसमें तो कोई गोलियां भी नहीं है। अब मुझे गाइस इसी से एस्केप करना पड़ेगा। भाई इन्होंने तो मेरे ऊपर, भाई साहब गाइस इन्होंने मेरे पीछे यहाँ पे मिलिट्री के जेट प्लेन्स भी लगा दिए। ये देखो कितने नजदीक से निकला ये एयरप्लेन। सबसे बेकार चीज गाइस इसमें ये है कि मेरा हेलीकॉप्टर बहुत धीरे उड़ता है, ऊपर से इतने सुपर फास्ट जेट प्लेन्स मेरे ऊपर गाइडेड मिसाइल्स डाल रहे हैं। भाई यहाँ से तो कूदना ही पड़ेगा। और लो भाई, भाई साहब क्या सही टाइमिंग पे मैं कूदा, मेरे कूदने के बाद ये गाइडेड मिसाइल मेरे पीछे पड़ गई। ओ भाई ये गाइडेड मिसाइल मेरे पीछे भी पड़ी है, मुझे तो लगा था कि इससे हेलीकॉप्टर के पीछे पड़ी है, और मेरा पैराशूट ही उन्होंने उड़ा दिया। अच्छा कि मेरे ऊपर नहीं पड़ी यार ये गाइडेड मिसाइल। गाइस मेरे सामने एक और जेट प्लेन है, फटाफट से मैं इस पे निकल जाता हूँ, क्योंकि अब मेरा गेम खत्म होने वाला है। इन्होंने तो मेरी बैंड ही बजा दी है यार, अब इतनी छोटी सी बंदूक से मैं इतनी बड़ी आर्मी का कैसे सामने करूँगा। भाई इन्होंने तो मेरा पूरा जेट प्लेन ही उड़ा दिया है, अब मैं कैसे एस्केप करूँगा यहाँ से? ऊपर से सामने से पूरी मिलिट्री की आर्मी आ गई। भाई सबसे पहले तो मैं यहाँ से कवर ले लेता हूँ, कितनों को मारूंगा यार मैं तो गाइस कभी यहाँ पे आता नहीं, अगर मुझे पता होता कि मिलिट्री इतनी पावरफुल होती है। जिस प्लेन में मैं भागने की सोच रहा था, वो पूरा प्लेन मेरे बैठने से पहले ही इन्होंने उड़ा दिया। ऊपर से गाइडेड मिसाइलें कौन छोड़ता है एक इंसान के पीछे? इनसे लड़के कोई फायदा नहीं है गाइस, मुझे यहाँ से भागने की तैयारी करनी होगी कैसे भी करके। इसकी गाड़ी पकड़ के गाइस मैं नियरेस्ट प्लेन के लिए निकलता हूँ। भाई मेरे सामने टैंकर है, भाग 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 भाग, एक गोली मेरा गेम खत्म हो जाएगा। लेकिन उसका निशाना चूक गया अभी। ओके गाइस सामने मुझे प्लेन दिख गया, अगर ये इसको नहीं उड़ाते हैं तो शायद मैं एस्केप कर सकता हूँ। ओ यार ड्रिफ्ट नहीं मानी है भाई, क्या कर रहा हूँ मैं भी। उतरो भाई इस गाड़ी से। वैसे माना पड़ेगा यार गाइस, ये आर्मी वालों की गाड़ी तो सच में बहुत पावरफुल है। मेरे इसमें दो टैंकर की गोलियां पड़ी थी, लेकिन मेरे को फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये प्लेन गाइस मुझे सही लग रहा है, छोटा छोटा, मेरे ख्याल से ये चलाना भी आसान पड़ेगा। जल्दी से इसकी डिक्की खोलता हूँ, बस ये लॉक ना हो। ओके गाइस तो अभी मुझे एक प्लेन तो मिल गया, एस्केप करने का टाइम आ गया। ओ भाई एक शॉट पड़ गया अपने प्लेन को इतनी जल्दी, एक दो शॉट और पड़े ना इसका खेल खत्म है। कोई टैंकर नहीं जो इतने सारे शॉट झेल जाएगा। एक तो मेरे पास कोई रनवे भी नहीं है यार, इसको कैसे उड़ाऊंगा मैं? कोशिश करता हूं गाइस यहीं से अगर टेक ऑफ कर जाए बिना पीटी से टकराए। उड़ जा उड़ जा उड़ जा, उड़ गया भाई। सही प्लेन मेरे हाथ लगाया गाइस, मुझे ज्यादा रनवे में भगाना ही नहीं पड़ा और हल्के से मैं ये उड़ गया है। क्या बात है यार, फाइनली गाइस हमने पूरे मिलिट्री बेस से एस्केप कर लिया है। बस आई होप कि अब मेरे पीछे कोई मिलिट्री बेस वाला ना आ जाए। वैसे अभी मेरे इसमें 5 स्टार की पुलिस तो अभी भी लगी हुई है, लेकिन अभी मुझे कोई भी अपने पीछे गाइडेड मिसाइल की आवाज़ नहीं आ रही जैसे मिलिट्री बेस में आ रही थी।
क्या ही भयानक फाइट हुई यार वहाँ पे। तो हमने वहाँ पे गाइस क्रिमिनल्स को तो पूरा सफाया कर दिया है, बट हेलीकॉप्टर से कोई तो एस्केप हुआ था। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसलिए मैंने उसकी पहली फोटो खींची थी, लास्ट टाइम पूरी डिटेल्स निकाल देगा कि आखिर वहाँ पे वो कौन लोग थे। अभी फिलहाल गाइस मैं अपने शहर के लिए निकलता हूँ। ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए अपने शहर पे। देखो सामने हमारा शहर है। टाइम कैसे लगना था यार, इतने स्पीड में उड़ते हैं जेट प्लेन, शायद इसलिए हमको मिलिट्री वाले पकड़ भी नहीं पाए थे। बट अभी हमको प्लेन से कूदना पड़ेगा, क्योंकि जितने देर मैं इसमें रहूंगा ना उतना ज़्यादा रिस्क है, क्या पता इसमें ट्रैकर हो। इसलिए मैंने यहाँ से अभी प्लेन से जंप मार दिया, बट मेरा कैरेक्टर सीधा नहीं हो पा रहा। ओके सीधा हो गया। अगर ये सीधा नहीं हो पाता ना तो मेरा कैरेक्टर पैराशूट भी नहीं खोल पाता। फिलहाल गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप लोगों को ये एपिसोड कैसे लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मैं फिलहाल जल्दी से जाता हूँ लेस्टर के पास ये सारी फोटोज लेके, और आपसे मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक ले, बाय बाय।